आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों राधे राधे, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्रावण महत्तम का चतुर्दश अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान महादेव की कृपा से शारीरिक व मानसिक आरोग्यता की प्राप्ति होती है, घर में आर्थिक खुशहाली आती है। कथा महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, आज के अध्याय में भगवान महादेव श्री सनत कुमार को श्रावण शुक्ल नाग पंचमी का महत्तम सुना रहे हैं। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल पंचमी को किए जाने वाले व्रत नाग पंचमी के बारे में बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह एक दिन पहले केवल एक समय भोजन करे। पंचमी वाले दिन स्वर्ण या रजत निर्मित नाग लेकर नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर बड़ई या कुम्हार से 5 फनों वाला नाग बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर से 5 फनों का नाग बनाकर कटोरे में दूध रखकर उसकी धूप, दीप, गंध, अक्षत, करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। कालिया नाग, तक्षक नाग, शंखपाल, वासुकी, शेष नाग, पद्म नाग आदि नागों को हल्दी व चंदन से दीवार पर बनाकर तथा नाग माता कुद्रू को भी अंकित कर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। इस दिन लोहे की कढ़ाई में पकवान बनाने वर्जित हैं। गेहूं और दूध की खीर बनाकर भुने चने, धान का लावा और भुने जौ नागों को देने चाहिए और स्वयं भी इन्हीं वस्तुओं का भोजन करना चाहिए तथा परिवार वालों को भी भोजन में ये ही वस्तुएं देनी चाहिए। सांपों की बांबी के पास गान वाद्य द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्यों को जीवन भर कभी भी सर्प डसने का भय नहीं रहता। हे सनत कुमार, सर्प के दर्शन करने से ही मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। सर्प तमोगुणी होता है। विधि पूर्वक ब्राह्मण सहित नाग का निर्माण कर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत करना चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर श्रावण शुक्ल पंचमी को फिर से नागों का पूजन करना चाहिए। श्री नारायण जो सब स्थानों पर स्थित हैं, सब वस्तुओं को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, जो अपराजित हैं उनको स्मरण कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मेरे वंश में, हमारे पूर्वजों में से जो भी सर्पों के दंश से अधगति को प्राप्त हुए हों, वे इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार उच्चारण कर सफेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति पूर्वक वासुदेव श्री कृष्ण के निमित्त जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार व्रत, पूजा और दान से साधक के वंश में जो सर्प दंश के कारण मरे होंगे या भविष्य में मरने वाले होंगे, हे सनत कुमार, वे सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे।
इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर शिवजी के सानिध्य में पहुंच जाता है। भगवान महादेव कहने लगे, हे सनत कुमार, जो मनुष्य नाग की हत्या करते हैं उनके परिवार में अगले जन्म में पुत्र नहीं होता, और यदि होता है तो अधिक समय तक जीवित नहीं रहता। महिलाओं की कृपणता के कारण भी प्राणी को सर्प योनि प्राप्त होती है। जो दूसरों की अमानत हजम कर जाते हैं वे भी सर्प योनि में जाते हैं। जो प्राणी विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं उनके उद्धार का एकमात्र रास्ता नाग पंचमी का व्रत ही है। जो प्राणी नाग पंचमी का व्रत तथा नाग पूजा करते हैं उनकी भलाई के लिए नागों के स्वामी शेष नाग और वासुकी नाग भगवान विष्णु से और मुझसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष नाग और वासुकी नाग की प्रार्थना पर भगवान विष्णु और मैं उन लोगों की सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार हे ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार, जो प्राणी नाग पंचमी को नाग देवता की पूजा करता है, इसके कथा महत्तम को पढ़ता सुनता वे दूसरों को सुनाता है, वे नाग लोक में अनेक तरह के भोगों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। इति श्रावण महत्तम चतुर्दश अध्याय समाप्त। बोलो शंकर भगवान की जय। बंधु, भगवान महादेव की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।